शुरू करते हैं नेपाल की जर्नी। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, अभी टैक्सी मिल गई है होटल के लिए। तो ये रहा हमारा ग्रुप, जा रहे हैं खाने की तलाश में, तब खाना शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट दिन है और आज हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है कॉन्फ्रेंस में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं DAV कॉलेज और अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करके फिर हमारी प्रेजेंटेशन होगी, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। It's an honor to present my master's research in front of you all. Eight maintainer lines which were already known were procured from the university. तो गाइस फाइनली प्रेजेंटेशन हो चुकी है मेरी भी और मेरे ग्रुप की भी। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं लंच का पता करने। तो फाइनली गाइस अभी हम लंच करने के लिए आए हैं। दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो अभी मैं बैठ के वेट करता हूँ भीड़ के ख़त्म होने। लंच के बाद वाली डिग्री फंक्शन होगा तो उसमें पता चलेगा कि ओरल प्रेजेंटेशन में कैसा परफॉर्म किया है किसने। तो तीन अवार्ड मेनली यहाँ पर मिलेंगे। गाइस अभी लंच करके हम आ गए हैं ऑडिटोरियम के बाहर और 3 बजे से वैलिडिटरी फंक्शन शुरू होगा। और इसी बीच हम सारे मनी एक्सचेंजर्स से हमने बात की, पर कोई भी इंडियन करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए राज़ी नहीं है। तो हमें थैमल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। आज शायद हम लेट हो जाएंगे, तो हम कल थैमल जाएंगे और कल वहाँ जाकर देखेंगे कि कहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सचेंज होती है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इवन 100 रुपीज़ के नोट के साथ भी। तो हमें नेपाली करेंसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें 2 दिन और यहाँ पे रुकना है। तो ठीक है गाइस, अभी हम जाएंगे वैलिडिटी फंक्शन में, उसकी भी मैं थोड़े बहुत ग्लिम्सेस आपको दिखाऊंगा और उसके बाद वापस होटल जाके या फिर वगैरह कहीं घूमने का प्लान बनता है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। ऑडिटोरियम में आके बैठ चुके हैं बुद्धा हॉल, तो यहाँ पे अभी वैलिडिटी फंक्शन होगा। तो फाइनली फंक्शन भी ख़त्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। रात कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन ख़त्म होता है। कल हमारा काठमांडू लोकल टूर है जो कि ऑर्गेनाइजर्स ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। 4 से 5 जगहें कल विज़िट करेंगे, वो सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। तो गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं अपने होटल में। होटल तो क्या, ये एक गेस्ट हाउस है ईजी होम्स करके। तो ये आपका रिसेप्शन है और हमारा रूम है 2nd फ्लोर पर। सामने है अशोका स्तूपा, रूम नंबर 203, इसमें मैं रुका हूँ। के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था और काठमांडू में भी टेम्परेचर चल रहा है अराउंड 30-35 डिग्रीज के बीच में। तो थोड़ी देर में भी रेस्ट करूँगा और शाम के टाइम हम थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम निकल रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे कि हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स पहले से पहुँच चुके हैं। जगह पे कोई मेला टाइप कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम अभी जाते हैं। ये है यहाँ की लोकल मार्केट, ये ललितपुर के अंदर आता है, तो इसमें अभी हम आगे जाएंगे इसी रास्ते में। बस यहाँ पे पूरे इस एरिया में इस तरीके के मंदिर हर जगह पे हैं। अभी हम पहुँचे एक जगह पे, इस जगह का नाम पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये आप पीछे देख सकते हो, वाह। और अभी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी ढूंढना है, वो भी इसी एरिया में कहीं पर हैं, तो चलते आगे। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इस वक्त, तो काफ़ी फेमस जगह है ये। मंदिर के पीछे चांद कितना प्यारा लग रहा है। गाइस काफ़ी चहल पहल है इस जगह पे। ये पटन दरबार है, मैंने अभी पूछा अपने दोस्तों को, तो ये जिनके हम दर्शन करते हैं और चलते आगे की तरफ। अभी हम यहाँ आए हैं फंको फूड कैफ़े में, कॉफ़ी पियेंगे और खाने को मिलेगा अच्छा, तो खाना भी खा लेंगे। तो गाइस कॉफ़ी पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि डिनर भी यहीं पे करेंगे। तो गाइस अब डिनर करके हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। डिनर करते करते हमें 1.5 घंटा लग गया और हम उसी कैफ़े में थे अभी तक, और जा रहे हैं उसी रास्ते से जहाँ से हम आए थे। तो अभी हमने देखा कि 9 बजे के आसपास यहाँ पे पूरी मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है, और यहाँ पे मंदिर टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसके नीचे ये व्हील्स भी आप देख सकते हो, फिर सब लोग अपना माथा टेक के आशीर्वाद लेके आगे जा रहे हैं। गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं पाटन दरबार स्क्वायर में, जितने भी लोग थे यहाँ पे सब जा चुके हैं। पर ये मंदिर की जो नक्काशियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इंडिया में भी हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में इस तरह की जो कलाकारी होती है, वुड वर्क होता है, वो वहाँ पे भी मिलता है। इवन हमारे गाँव का जो मंदिर है वो भी इसी शैली से मिलता जुलता है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे किंग का रूल होता होगा तो उस वक्त शायद इसकी काफ़ी वैल्यू रहती होगी इस जगह की। और ये जो पूरा एरिया है जो ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये रोड है, यहाँ पे पूरी तरह से कंक्रीट का रोड नहीं बनाया गया अभी तक, और उस टाइम शायद ये राजा महाराजा के चलने का रास्ता हुआ करता होगा। और जो मार्केट है काफ़ी प्यारा है, काफ़ी छोटी सी जगह है, काफ़ी गलियाँ हैं तंग तंग सी,
बट काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस जगह पे। तो यहाँ से हमारा होटल बस 200 या 300 मीटर दूर रह गया है, तो वापस होटल जाके अब रेस्ट करते हैं और कल सुबह काठमांडू का टूर होगा। और एक अपडेट दे दूं कि अभी तक हमारा मनी एक्सचेंज हो ही नहीं पाया है। तो गाइस अभी चलते हैं होटल की तरफ।